हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो फ्रेंड आज मैं आपको एक ऐसा एंटी एजिंग फेस मास्क बताने वाली हूं जो कि आपकी स्किन को टाइटन करेगा और आपके फेस पे अगर झाइया हैं तो आपके फेस से झाइयों को भी रिमूव करेगा ये एक तरह से एंटी एजिंग फेस मास्क है जो कि आपकी स्किन को टाइटन करेगा ये एक एंटी एजिंग फेस मास्क है और एक तरह से बोटॉक्स ट्रीटमेंट है जो कि हम अगर किसी सर्जरी वगैरह करवाते हैं बोटॉक्स वगैरह ट्रीटमेंट लेते हैं तो काफ़ी हज़ारों रुपये हमें खर्च करने पड़ते हैं पर आज हम नेचुरल फ्रूट्स में जो बोटॉक्स पाया जाता है उससे हम फेस मास्क बनाएंगे जो कि आपकी स्किन को टाइटन करेगा और बहुत ही ज़्यादा यंग बनाएगा फ्लॉलेस बनाएगा तो फ्रेंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हम स्किन को टाइटन कैसे कर सकते हैं लूज स्किन को सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड इसके लिए हमको बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि हर किसी के घर में होता ही है तो सबसे पहले जो हमारा पावरफुल इंग्रेडिएंट है फ्रेंड वो है केला केला में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है कोलेजन होता है और ये इसमें एक नेचुरल बुटॉक्स होता है जो कि स्किन को टाइटन करता है स्किन को फर्म करता है और स्किन को ये झाइयों से और झुरियों से भी बचाता है और स्किन को यंग बनाता है फ्लॉलेस बनाता है केला केला हमारे चेहरे से जो फाइन लाइंस होती है यानी कि जो बारीक बारीक लाइंस पड़ जाती है हमारे फेस पे उसे भी ठीक करती है और चेहरे की स्किन को बहुत ही ज़्यादा टाइटन करती है और सेकंड है हमारा बनाना पील यानी कि केले के छिलके और फ्रेंड जो बनाना केले के छिलके होते हैं वो हमारे चेहरे से काले दाग धब्बे डार्क स्पॉट्स को हटाता है फाइन लाइन्सों को हटाता है यानी कि झुरियों को हटाता है और ये हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज करता है और चेहरे को बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन भी करता है केले के छिलके और फ्रेंड हमारा है थर्ड इन्ग्रीडियंट वो है दही योगर्ट दही में भी फ्रेंड लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और चेहरे पे जितने भी एजिंग साइंस होते हैं उसे आने से भी रोकता है अगर हमारी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज़ होगी तो हमारे चेहरे पे जो रिंकल्स हैं फाइन लाइंस हैं वो नहीं आते काफी और स्किन काफ़ी यंग और फ्लॉलेस लगती है और साथ साथ दही हमारे चेहरे को ब्राइटन एंड लाइटन भी करता है फोर्थ हमारा इंग्रेडिएंट है वो है हनी शहद फ्रेंड शहद में भी एंटी होते हैं और ये हमारे चेहरे से फाइन लाइंस झुरीओं को भी हटाते हैं और चेहरे को बहुत ही ज़्यादा जवान बनाते हैं फ्लॉलेस बनाते हैं और यंग बनाते हैं फ्रेंड मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स एक ग्राइंडर में डाल दिए हैं मिक्सर में डाल दिए हैं और इसे हम अच्छे से चला लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे फ्रेंड हमने मिक्सी में पीस लिया है और एक हमको स्मूथ पेस्ट मिल चुका है फ्रेंड अगला इंग्रेडिएंट है हमारा मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी भी हमारे चेहरे को जो स्किन को टाइट करती है और पोर्स को भी टाइट करती है अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो ओपन पोर्स को भी ये श्रिंक करती है तो हम यहाँ पे डालेंगे एक से डेढ़ चम्मच मुल्तानी मिट्टी और फ्रेंड हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्रेंड ये हमारा फेस पैक तैयार है अब हम इसे अपने फेस पे लगाएंगे मोटा मोटा अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर ले और ये फेस पैक अफवा डायरेक्शन में मोटा मोटा लगाए और उसके बाद आप इसे ड्राई होने दें जब ये ड्राई हो जाए तो आप सेकेंड लेयर लगाएं आप चाहे तो थर्ड लेयर भी लगा सकते हैं अच्छे से लगाने के बाद सूखने दें और फिर फ्रेश एलोवेरा जेल लेके सर्कुलर मोशन में मसाज करें आप चाहें तो मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं एक से दो मिनट तक मसाज करने के बाद आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर दें तो फ्रेंड ये थी मेरी आज की रेमेडी कि लूज स्किन को हम टाइट कैसे कर सकते हैं ये एक तरह से एंटी एजिंग फेस मास्क है इस फेस मास्क को आप सेवन डेज रेगुलर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो टाइट हो रही है इनफैक्ट जब आप ये पहली बार लगाएंगे ना तो आपको अपनी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट लगेगी तो एक तरह से ये एंटी एजिंग फेस मास्क है इस फेस मास्क को आपको सेवन डेज तक लगाना है और आपकी स्किन काफ़ी टाइट हो जाएगी आप चाहें तो सेवन डेज बाद भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं बनाना में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा टाइटन करता है और ये एक तरह से बुटोक्स ट्रीटमेंट का भी काम करता है क्योंकि इसमें ऐसे गुण होते हैं बुटोक्स ट्रीटमेंट की तरह ये काम करता है और बनाना पील में भी बहुत ही अच्छे डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है स्किन को ब्राइटन लाइटन करता है और जितने भी हमारे फेस में फाइन लाइन्स हैं रिंकल्स हैं उसे भी ये दूर करता है अगर आप थर्टी प्लस हैं या आपकी स्किन लूज होनी स्टार्ट हो गई है तो आप ये फेस पैक लगा सकते हैं आप देखेंगे कि सेवन डेज में ही आपकी स्किन टाइटन हो रही है और आपकी स्किन पे एक अच्छा यंग फ्लॉलेस स्किन हो रही है और आपकी स्किन काफ़ी यंग लग रही है सो so, जरूर ट्राई करना और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना सो so, मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई होम रेमेडी न डी आई वाई नए remedy, ने, DIY, ने, किसी स्किन केयर के साथ दिल दिन बाय एंड स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल बाय बाय